हेलो फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देश भर में ऑनलाइन वॉलेट को यूज़ करने वाले यूज़र्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और ऐसे नए नए लोग हैं जो ऐसे ऑनलाइन वॉलेट्स जैसे पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, अमेज़न पे जैसे नए वॉलेट्स के साथ जुड़ते जा रहे हैं और अपना जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है वो इन ऐप्स की मदद से करना चाहते हैं। पर अभी रिसेंटली हमें ऐसे बहुत सारे केसेस सुनने के लिए मिले हैं जिनमें लोगों को फ्रॉड से गुजरना पड़ा है और उनके वॉलेट से पैसे गायब हुए हैं। तो ऐसे में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन फ्रॉड्स को रोकने के लिए नए नियम बनाए हैं। इन नियमों के चलते ऐसे वॉलेट को यूज़ करने वाले यूज़र्स धोखाधड़ी से बच पाएंगे और उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। तो एज अ यूज़र, एज अ उपभोक्ता, आपको इन नियमों की जानकारी होनी ही चाहिए। तो इस वीडियो में हम RBI के उन 10 नियमों की बात करेंगे जिससे यूज़र के अधिकार बचे रहेंगे, यानी कि अगर उनके साथ बाई चांस कोई फ्रॉड भी होता है तो भी उनके पैसे कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सेंटर पर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मिलते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं RBI के वो नियम। सबसे पहला नियम है, फरवरी 2019 के बाद बिना KYC वेरिफिकेशन के कोई यूज़र मोबाइल वॉलेट का यूज़ नहीं कर पाएगा। KYC वेरिफिकेशन का मतलब होता है नो योर कस्टमर। ये वेरिफिकेशन उन ऐप्स पर होता है जिस ऐप के थ्रू यानी जिस वॉलेट के थ्रू आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं। बेसिकली वहाँ पर आपको अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है, आधार कार्ड या अपने घर की डिटेल्स वगैरह आपको देने होते हैं, जैसे कि कोई भी फेक कस्टमर इन वॉलेट्स के थ्रू ट्रांजेक्शन ना कर पाए। तो एक अच्छा तरीका है फ्रॉड्स को रोकने का। दूसरा है, ऑनलाइन वॉलेट सर्विस देने वाली सभी कंपनियों को अब कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी देनी होगी, ताकि किसी वजह से कस्टमर अगर कोई रिपोर्ट करना चाहे तो भी वो आसानी से कर सके। तीसरा नियम है, मोबाइल वॉलेट कंपनी जैसे पेटीएम, फ़ोनपे, अमेज़न पे या कोई भी ऐसी कंपनीज़ को ध्यान रखना होगा कि यूज़र्स SMS अलर्ट, ईमेल और नोटिफिकेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये सारा काम एक्चुअली फ्रॉड्स को रोकने के लिए है। तो यूज़र भी ऑथेंटिक होना चाहिए, है ना, यूज़र भी फेक नहीं होना चाहिए और कंपनी को भी फ्रॉड नहीं करना है। तो इसके लिए ये सारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। चौथा है नियम, किसी भी कस्टमर के साथ धोखाधड़ी ना हो इसके लिए मोबाइल वॉलेट कंपनियाँ 24/7 कस्टमर केयर हेल्पलाइन की शुरुआत करेंगी। पांचवा नियम है, अगर किसी यूज़र के साथ धोखाधड़ी होती है और इसके लिए मोबाइल वॉलेट प्रोवाइडर जिम्मेदार है तो यूज़र को नुकसान हुए पैसों को 3 दिनों के अंदर पूरा रिफंड किया जाएगा, वो भी कंपनी के थ्रू, यानी जो भी मोबाइल वॉलेट कंपनी है, हो सकता है पेटीएम हो, अमेज़न पे हो या कोई भी कंपनी, उसके थ्रू आपको 3 दिनों के अंदर रिफंड किया जाएगा। छठवां नियम है, अगर किसी मामले में जब कस्टमर के साथ फ्रॉड हुआ है और वो शिकायत नहीं भी दर्ज कर पाया तो भी वॉलेट प्रोवाइडर को पूरा पैसा रिफंड करना होगा। सातवां नियम है, अगर किसी यूज़र के साथ फ्रॉड हुआ है जिसकी कंप्लेन उसने 4 से 7 दिनों के अंदर की है और उसका जो टोटल अमाउंट है वो 10,000 रुपये से नीचे है, तब भी कंपनी को रिफंड आपको देना ही होगा। आठवां नियम है, अगर फ्रॉड की शिकायत 7 दिनों के अंदर की गई है तब रिफंड को RBI के तहत करना होगा, यानी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो आप कंपनी से कांटेक्ट करके कैसे प्रोसेस है आपको तब पता चल जाएगा। इसके बाद नौवां नियम है, रिफंड से जुड़े सभी मामलों को कंपनी को 10 दिनों के अंदर सॉल्व करना ही होगा। यदि कंपनी के साथ अगर आपका कोई विवाद है तो भी उसे 90 दिनों के अंदर, उसे 90 डेज के अंदर सॉल्व करना होगा। 10th गाइडलाइन है, यदि किसी यूज़र की शिकायत को 90 डेज के अंदर सॉल्व नहीं किया गया तो कंपनी को पूरा रिफंड आपको चुकाना होगा जितने पैसे का नुकसान हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये थे 10 गाइडलाइंस जो RBI ने अभी 2 दिन पहले ही लागू किए हैं और ये यूज़र के हितों को सुरक्षित करने के लिए है। यानी अगर आपको इन नियमों की जानकारी है तो आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने में किसी भी फ्रॉड को फेस नहीं करेंगे। अगर बाई चांस आपके साथ कोई फ्रॉड होता है और अगर आपके वॉलेट से पैसे डिडक्ट होते हैं तो आप इन गाइडलाइंस के थ्रू कंपनी से अपने पैसे रिफंड मांग सकते हैं। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए जो भी अगर ऑनलाइन वॉलेट यूज़ करते हैं। तो
और अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और फिर से मैं आपको बोल देती हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में विथ अनदर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।